जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी। देव के चुंगल में शहजादी ये कश्मीर की वादी। आज भी हमारे कश्मीरी भाई और बहनें गुलामी की चक्की में पिस रहे हैं। इस तरक्की और अमन के दौर में भी कश्मीरी मुसलमान नाजायज़ नुक्ता अजल का शिकार है। कश्मीरियों पर भारतीय फ़ौज जुल्म बर्बरियत करके कश्मीरियों का तशख़्स मिटा रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। वो कहते हैं आज़ादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। एएसएफ के सिपा सालार मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि अगर हिंदुस्तान ने मैली आंख से देखा तो पाकिस्तानी एक एक फ़र्द अपने वतन अजीज़ की बका के लिए हमा वक्त तैयार है। भारत मकबूजा कश्मीर में जबर और जहरियत मुसलत किए हुए हैं। कश्मीरियों के हकूक खसब करके ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। एएसएफ फाउंडेशन के एक्टिंग सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जमशेद हयात खान नियाजी ने कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि 5 फरवरी हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए कश्मीरियों के चट्टान जैसे अज़्म को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। उनका मजीद कहना था कि निहत्ते कश्मीरियों पर पैलेट गन्स से भारतीय जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तानी जबर इस्तेसाल का साबित कदमी से मुकाबला करने वाले कश्मीरी बहन भाइयों को सलाम पेश करते हैं। कश्मीर, कश्मीर, मेरे कश्मीर।